नमस्कार, सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो मैंने थालीपोस बनाया है। सूर्यमुखी के फूल का तोरण हमने आपको अपलोड किया था वीडियो। हमने सूर्यमुखी फूल का अभी थालीपोस बनाना बता रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने दो कलर का ऊन लिया है, एक मैंगो कलर है और डार्क ग्रीन। तो पहले हम बीच का डिजाइन बना लेते हैं। और ग्रीन कलर का ऊन हमने लिया है, चैन कर लेंगे। आठ चैन हमने यहाँ पर किया है, आठ चैन हम कर लेंगे। आठ चैन करके इसे हम इस तरह से रिंग कर लेंगे। रिंग करके इस तरह से हम बांध देंगे इसमें। यहाँ पर हम तीन चैन किया हमने, और उस चैन को लेके हमने इस रिंग में 18 डबल क्रोशे बनाए हैं। 18 डबल क्रोशे हमने इस रिंग के अंदर बनाए हैं। तो इस तरह से रिंग के अंदर 18 डबल क्रोशे बना ले। ये देखें, इसे हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। यहां पर हमें चार चैन हमने यहाँ पर लिया है, और यहाँ पर हमें चैन छोड़नी नहीं है। हर एक चैन में हमने डबल क्रोशे लिया है। देखें इस तरह से एक चैन, एक डबल क्रोशे। यहाँ पर चैन हमें नीचे की तरफ छोड़नी नहीं है, हर एक क्रोशे में हमें लेना है। एक चैन ऊपर से हम लेंगे, और इस तरह से चैन के ऊपर से हमने एक डबल क्रोशे लिया है। ये देखें इस तरीके से एक चैन, एक डबल क्रोशे, एक चैन, एक डबल क्रोशे। इस तरह से हमें पूरी लाइन बना लेनी है। यहाँ पर हमने छोड़ा नहीं है, हर एक चैन में हमने लिया है। ये देखें इस तरह से ऊपर एक चैन लिया है, एक डबल क्रोशे। इस तरह से पूरी लाइन आप बना लें। ये देखें इस तरह से हमने बना लिया है 18। यहाँ पर भी आए हैं क्रोशे, और इसे हम एक चैन यहाँ पर छोड़ के इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से, और जहाँ हमने चैन लिया है इस चैन में से हमने एक स्लिप चैन लिया है, और इसमें हमने तीन चैन, दो डबल क्रोशे बनाया है। यानी एक चैन के अंदर, बॉक्स के अंदर हमने तीन डबल क्रोशे बनाया है। तो इस तरह से बना लें। ये देखें एक बॉक्स में तीन डबल क्रोशे। इस तरह से ये पूरा लाइन बना ले। हर एक बॉक्स में तीन तीन डबल क्रोशे हमने इस तरह से बनाए हैं, देख सकते हैं। लाइन इस तरह से पूरी कर लें। ये देखिए इस तरह से हमने एक लाइन इस तरह से बना लिया है। इसे जोड़ दें इसमें लाके लास्ट में। यहाँ भी हमें
इसे एक दूसरे चैन में स्लिप चैन हमने इस तरह से ले लिया है। और यहाँ पर हमें पांच चैन करनी है, पांच चैन हमने यहाँ पर किया है। एक चैन छोड़ेंगे, दूसरे चैन में हम डबल क्रोशे करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पर एक एक चैन छोड़ा है। यहाँ पर हमने दो चैन लिया है, एक चैन छोड़ेंगे दूसरे में डबल क्रोशे इस तरह से बनानी है। दो चैन, एक नीचे से छोड़ेंगे हम एक क्रोशे, दूसरे क्रोशे में चैन में से हमने लिया है, देख सकते हैं डबल क्रोशे इस तरह से। एक दो चैन, एक चैन हमने छोड़ा है, ये देखें इसमें से हमने नहीं लिया है, चैन के ऊपर से लिया हमने और डबल क्रोशे, ये देखें इस तरह से ये पूरी लाइन हम बना लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने ये लाइन बना ली है। दो चैन लेके हम इसमें जोड़ देंगे, ये देखें इस बॉक्स में हमने वापस तीन तीन, जिस तरह से हमने ये बॉक्स में तीन बनाया है, इस तरह से इसमें भी हम तीन डबल क्रोशे एक बॉक्स में बनाएंगे। ये देखें दो तीन, एक बॉक्स में हमने तीन डबल क्रोशे बनाए हैं। तो इस तरह से ये पूरी लाइन बना ले, हर एक बॉक्स में हमने तीन तीन डबल क्रोशे बनाए हैं। ये देखें इस तरीके से, इस तरह से हम बना लेंगे। इस तरह से हमने पांच लाइन बनाई है, इसे जोड़ दें। हम यहाँ पर धागे निकाल लेंगे काट के। यहाँ पर हमने मैंगो कलर का ऊन लिया है, चैन में हमने इस तरह से लिया है, देख सकते हैं आप। सिंगल क्रोशे ले लें, यहाँ जोड़ लें। यहाँ पर हमने 20 चैन लेंगे, इक्कीस चैन हमने यहाँ पर लिया है, एक एक्स्ट्रा है, 21 चैन हमने यहाँ पर लिया है। और यहाँ से हम एक दो तीन, तीन क्रोशे छोड़ेंगे, चौथे चैन में सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखें इस तरीके से तीन हमने यहाँ पर छोड़ा है, एक दो तीन चैन चौथे में हमने जोड़ा है। तो इस तरह से ये पूरा लाइन बना लें आप, 21 चैन। इक्कीस चैन हमने यहाँ पर बनाया है, एक दो तीन छोड़ेंगे, चौथे में लेंगे सिंगल क्रोशे से इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से लाइन बनानी है हमने, देख सकते हैं। और 21 चैन, 21 चैन हमने लिया यहाँ पर, इक्कीस, एक दो तीन चार, इस तरह से, इस तरह से हम पूरी लाइन बना लेंगे इसी तरीके से। ये देखें इस तरह से 20 लरियां आएंगी। इसे हम इस तरह से स्लिप चैन लेके जोड़ देंगे। और यहां से हमने एक चैन लेके हर एक चैन में, ये देखें हर एक चैन में हमने
दूसरे चैन में हमने इस तरह से स्लिप चैन कर लिया है और यहाँ पर हमें एक चैन लेनी है और हर एक चैन में हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखें दो जो हमने चैन लिया था इसे भी हम काउंट करेंगे, तीन हो गया, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारहवें चैन में हमने दो सिंगल क्रोशिया लिया है। ये देखें दो सिंगल क्रोशिया, दो चैन, फिर दो उसी में हमें दो और सिंगल क्रोशिया बनानी है, उसी में हमने दो और सिंगल क्रोशिया बनाया है, कुल मिला के चार बनानी है, दो और सिंगल क्रोशिया। ये देखें ग्यारहवें चैन में हमने दो सिंगल क्रोशिया, दो चैन, फिर उसी में दो सिंगल क्रोशिया और हमने बनाया है। इस तरह से हम बनाएंगे, देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दस बचेगा तो यहाँ पर दस चैन में दस सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। दोनों तरफ हमने दस दस सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, बीच में एक ही में ग्यारहवें चैन में दो सिंगल क्रोशिया, दो चैन और दो सिंगल क्रोशिया हमने उसी में बनाए हैं। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे, दूसरे लाइन में भी, दूसरे लरी में भी इसी तरह से हमें बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ये ग्यारहवें में हमने दो सिंगल क्रोशिया लेनी है, ये देखें दो चैन लेनी है, उसके बाद दो और उसी में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, फिर दूसरी तरफ दस सिंगल क्रोशिया ही बनानी है, दोनों तरफ दस दस आएंगे। इस तरह से ये देखें इस तरह से हमने बनाई है, देख सकते हैं। तो इस तरह से पूरी लाइन आप बना लें, ये देखें हमने इस तरह से एक लाइन बना लिया है। दूसरी लाइन में हमें जहाँ हमने चैन लिया है यहाँ पर आके हम जोड़ देंगे, स्लिप चैन ले लेंगे यहाँ पर इस तरह से, ये देखें यहाँ पर हमें एक एक कम करनी है। तो अब दूसरे क्रोशे में हम स्लिप चैन ले लेंगे, यहाँ पर एक चैन लेंगे इस तरह से देखें, और यहाँ से हम दूसरी लाइन शुरुआत करेंगे।
यहाँ पर हमने 11 बनाया है और जो हमने चैन लिया है ये देखें, चैन जो हमने लिया है चैन में हम उसी तरह से बनाएंगे 2 क्रोशे 2 चैन, यहाँ पर 2 बढ़ाना है हमें, 2 2 देख सकते हैं, 2 2 यहाँ पर हमें बढ़ानी है, इसमें 2 और बनाएंगे हम, दूसरी तरफ यहाँ पर 11 क्रोशे दूसरी लाइन में 11 इधर और 11 इधर क्रोशे आए हैं और 2 2 बीच में 2 चैन बढ़े हैं। तो इस तरह से ये बना लें और यहाँ पर हमें ये देखें, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से 2 हमें कम करनी है, 1 2 2 चैन हमें कम करनी है, तीसरे में यहाँ पर लेना है, 2 घटाना है यहाँ पर हमें, इस तरह से देखें 2 हमने यहाँ पर कम किया है और यहाँ पर 1 1 बढ़ते जाएंगे 2 2 और यहाँ पर 2 1 1 दोनों तरफ से घटते जाएंगे, यहाँ पर 1 1 दोनों तरफ से बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से आप बना लें। इस तरह से हमें 4 लाइन बनानी है। हमने ये 1 लाइन बनाया है और घटाने तक 3 लाइन और ऊपर बनानी है, हमने 4 लाइन कुल बनानी है। तो इस तरह से बना लें आप 4 लाइन इसमें। चैन में 2 क्रोशे सिंगल क्रोशे हमें बनानी है, 2 चैन और 2 क्रोशे यहाँ पर हमें क्रोशे बनानी है सिंगल ही, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये देखें 11 11 हमने दोनों तरफ बनाया है और यहाँ पर 1 2 कम करनी है, तीसरे में हमें लेना है, यहाँ भी हमें 11 सिंगल क्रोशे बनानी है, देख सकते हैं। ये देखें इस तरह से आएंगे डिजाइन, यहाँ से 2 2 हमें कम करनी है, 1 इधर से 1 इधर से 1 क्रोशे 1 1 चैन और यहाँ से 2 2 बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये डिजाइन बना लेनी है। 4 लाइन बनानी है, हमने 2 लाइन बनाया है, 2 लाइन और बनानी है हमने। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया है, 1 2 3 4 लाइन हमने बनाया है, यहाँ से 2 2 बढ़ाया है, यहाँ से 1 1 कम किया है, हमने 4 लाइन यहाँ पर बनाया है। लास्ट में हम 13 क्रोशे यहाँ पे आएंगे और 13 क्रोशे यहाँ पर, 2 2 यहाँ पर, 15 15 क्रोशे दोनों तरफ आएंगे। इसे हम इस तरह से जोड़ लेते हैं और यहाँ पर हमें धागे हमने निकाल लिए। यहाँ से हमें ग्रीन कलर के धागे लगाने हैं। यहाँ से हमें इसे जोड़नी है, देखें 2 चैन जो हमने लिया है बीच में, इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे, और यहाँ पर हमें 8 चैन करनी है,
आठ चैन हमने यहाँ पर किया है और दूसरे पॉइंट में दूसरे पैटर्न में इस तरह से जोड़ देंगे सिंगल क्रोशे से। ये देखिए इस तरह से बनानी है डिजाइन। आठ चैन हमने लिया यहाँ पर, आठ चैन, फिर दूसरे पैटर्न में दो चैन जो हमने लिया है यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे इस तरह से। आठ चैन, दूसरे में चैन में इस तरह से जोड़ देंगे सिंगल क्रोशे से। इस तरह से ये पूरी लाइन बना ली आठ आठ चैन करके। ये देखो इस तरह से हमने आठ आठ चैन करके बना लिया है। यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे, स्लिप चैन लेके इस तरह से जोड़, चैन के अंदर हमने इस तरह से स्लिप चैन कर लेंगे एक, तीन चैन। इसमें हमने आठ डबल क्रोशे बनाए हैं, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, आठ डबल क्रोशे हमने इसमें बनाए हैं चैन में। इस तरह से दूसरे चैन में भी बना ले। पूरे लाइन में हम आठ आठ क्रोशे बना लेंगे हर चैन में। चार, पांच, छः, सात, आठ, दूसरे में भी इसी तरीके से हम एक लाइन पूरा हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखें हमने एक लाइन इस तरह से बना लिया है और ये जो है फ्लावर इसके वो इस तरह से मुड़ के आएंगे। ये देखें इस तरीके से इस तरफ से मुड़ के आएंगे, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका डिजाइन कर ले फ्लावर का, पेटल का। ये बनाते वक्त थोड़े से मुड़ेंगे लेकिन ऊपर जाके वो बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर हम पांच चैन लेंगे, एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में एक हम छोड़ेंगे, दूसरे में लेंगे डबल क्रोशे दो चैन, एक छोड़ेंगे दूसरे में एक क्रोशे, फिर दो चैन और नीचे एक छोड़ेंगे दूसरे में डबल क्रोशे। इस तरह से ये लाइन बना ले पूरी। एक एक हमने नीचे छोड़ा है, दो दो चैन लिया है, एक डबल क्रोशे बनाए हैं। इस तरह से दूसरी लाइन बना ले। ये देखें हमने ये लाइन पूरा कर लिया है। यहाँ भी एक ही बचे हैं लास्ट में, दो चैन लेके हम इसे जोड़ देंगे। चैन में बॉक्स में हमने स्लिप चैन लिया है, एक बॉक्स में हमें तीन डबल क्रोशे बनानी है जिस तरह से हमने नीचे की लाइन में बनाई है। देखें इसी तरह से हम ऊपर भी बनाएंगे तीन, एक बॉक्स में तीन डबल क्रोशे
एक दो तीन, हर एक बॉक्स में आप बना लें तीन तीन डबल क्रोशे। चैन नहीं लेना है हमें। तीन तीन डबल क्रोशे बना लें। ये देखें हमने यहाँ भी पांच लाइन बनाया है, एक दो तीन चार पांच। इसी तरीके से हम बनाएंगे। देखें मैंने ये लाइन आपको बताया, इसके ऊपर दो चैन लेके एक क्रोशे बनाया हमने डबल क्रोशे, और एक नीचे से एक एक छोड़ते गए हैं हम। ऊपर अगर आपका मुड़ता है तो आप एक बॉक्स में तीन लें, एक बॉक्स में दो लें। इस तरह से हमने बनाया, देख सकते हैं आप। एक बॉक्स में हमने तीन बनाया है, एक बॉक्स में दो बनाया है। अगर आप ज़्यादा चुंबड़ता है तो आप दो बॉक्स में दो दो बनाएं और एक बॉक्स में तीन बनाएं। इस तरह से आप ये पांच लाइन बना लें। ये देखें यहाँ पर हमने अब पांच लाइन बना ली है ग्रीन कलर में, एक दो तीन चार पांच। पांचवे लाइन में हमने एक बॉक्स में दो क्रोशे बनाए हैं, देख सकते हैं आप। एक बॉक्स में हमने दो क्रोशे बनाए हैं। यहाँ पर वापस हमने ये डिजाइन रिपीट किया है। मैंगो कलर का ऊन हमने इस तरह से लगाया है इसमें। इक्कीस चैन, जिस तरह से हमने ये डिजाइन बनाई है उसी तरह से ये डिजाइन हमें बने यहाँ भी बनानी है। 21 चैन लेनी है। इक्कीस चैन हमने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर हमें पांच क्रोशे छोड़नी है, छठे में लेने हैं हमें सिंगल क्रोशे। ये देखें इस तरह से यहाँ पर हमने तीन छोड़ा था, यहाँ पर हम दो ज़्यादा छोड़ रहे हैं, पांच छोड़ा है हमने। इस तरह से हमने लिया है पांच, यहाँ पर हमने छोड़ा है क्रोशे, 21 चैन। चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, 21 चैन। एक दो तीन चार पाँच छः पर हमने सिंगल क्रोशे से जोड़ा है। तो इस तरह से ये पूरी लाइन आप बना ली। इसी तरीके से पूरी लाइन हमने ऐसे ही बनाया है। यही डिजाइन हमें वापस रिपीट करनी है चार लाइन की। तो ये डिजाइन यहाँ पर हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पहला और ये दूसरा पार्ट बना लिया है, देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 10 चैन लिया है। दस चैन ले ले और इसे बीचों बीच इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ दे। दस चैन लेना है यहाँ। सिंगल क्रोशे से दूसरे और पेटल में इस तरह से जोड़ दें। तो इस तरह से ये पूरा लाइन बना ले। हमने दस दस चैन लेके जोड़ा है सिंगल क्रोशे से। यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। दस दस चैन बना के हमने इसे सिंगल क्रोशे से जोड़ा है। बीच चैन के अंदर हम स्लिप चैन लेंगे एक। यहाँ पर छः डबल क्रोशे बनाने हैं। छः डबल क्रोशे बनाएंगे। छः डबल क्रोशे हमने यहाँ पर बनाए हैं चैन में, दो दस चैन जो हमने लिया उसमें। और यहाँ पर हम दो चैन करेंगे फिर छः डबल क्रोशे बनाएंगे।
तीन, चार, पाँच, छः। ये देखिए इस तरीके से छः हमने इस तरह बनाए हैं, दो चैन लिए हैं और छः और डबल क्रोशे 12 डबल। ये देखिए यहाँ पर हम एक चैन लेंगे, फिर यहाँ पर छः डबल क्रोशे, दो चैन, छः डबल क्रोशे। इसी तरीके से हमें सारे चैन में बना लेनी है। ये देखें इस तरह से हमें पूरी लाइन बना लेनी है। यहाँ पर एक एक चैन लिया हमने और छः छः के बीच में दो दो चैन हमने लिया है, तो इस तरह से ये पूरी लाइन बना ले। ये देखें हमने इस तरह से एक लाइन बनाया है यहाँ पर, और इसे हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ हमने एक ही लाइन बनाया है, ये देखें इस तरह से डिजाइन जो है हमने एक ही लाइन बनाया है। और यहाँ पर लगाने के लिए हमने लटकन लगाई है, तो लटकन के लिए हमने ग्रीन कलर ही लिया है और ग्रीन कलर का ऊन ले लें। छोटा ही हमें बनानी है लटकन, तो इस तरह से उंगलियों पर थोड़ा सा उंगली, दो उंगली फैला के इस तरह से और लेना है। यहाँ पर हमने 15 फेरा लिया है, 15 फेरा हम लेंगे यहाँ। इसे बांध दे, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी दो फेरा करके यहाँ पर भी बांध दे। एक्स्ट्रा ऊन काट दें इस तरह से, लटकन हमें लगानी है। इसके लिए हमने एक वाइट मोती लिया है, एक वाइट मोती हम इसमें लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से, इस तरह से आप लटकन बना लें। थाली पोस के हम इधर दो चैन जो हमने जहाँ लिया है देख सकते हैं यहाँ पॉइंट पे, यहाँ यहाँ पर हम झालर लगा लेंगे। इस तरह से लटकन हम लगा लेंगे, गांठ लगा लें। ये देखें इस तरीके से यहाँ पर सब जगह यहीं से इसी तरह से आप लगा लें। हमारे डिज़ाइन और वीडियो आपको कैसे लगे, हमारे वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।